जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइफ पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राशिफल। सबसे पहले तो होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन अपनी बुराइयों को जलाइए, अपनी कमियों को जलाइए। जी हाँ, होलिका दहन से जुड़े बहुत सारे रेमेडीज लोग करते हैं। आज मैं भी आपको कुछ उपाय बताऊंगी, बहुत ही आसान, और साथ ही आपको होलिका दहन का मुहूर्त भी बता देती हूँ, ताकि बहुत सारे लोग जब होलिका जलाते हैं तो उसी टाइम ड्यूरेशन पर जलाइएगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। अब अगर बात करें होलिका दहन के मुहूर्त की, तो रात को ये जो दहन करेंगे आप, वो है 11:15 से 12:23 तक का मुहूर्त। 1 घंटे 7 मिनट की अवधि में आप होलिका जलाइए, और होलिका जलाने के साथ साथ कुछ उपाय भी कीजिए। सबसे पहला उपाय, अगर परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो क्या करना है आपको, एक नारियल लेना है, 7 बार अपने ऊपर से वारना है, उस नारियल को डाल दीजिए। क्या जाना है, एक नारियल की खरीदारी है। और कुछ नहीं भी हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं टोटका है, रेमेडी है, इस तरीके की चीजें हम क्यों करें, नारियल जलाने से क्या जा रहा है, आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, तो एक नारियल अपने ऊपर से वार के जला दीजिए। तो और साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय का यथासंभव जाप करना चाहिए, आपको लोगों को दान देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, कुछ कुछ चीजें जो है आप जरूर जरूरतमंदों की आप मदद कीजिए, गरीबों में दान दीजिए आज के दिन, इससे भी आपको उचित लाभ होगा। तो होलिका दहन अच्छे से जलाइए। और बहुत सारे लोग होलिका की राख घर पे लेकर आते हैं, उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो हमने किया है, हमने आपको बताया है कि होलिका की राख को क्या घर पे लेकर आना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वाले, आज के दिन आपको काम का थोड़ा सा दबाव रहने वाला है, यानी कि आज के दिन बहुत सारे भाग दौड़, बहुत सारी चीजें, थोड़ी चिंता भी हो सकती है, हालांकि नए लोगों से मुलाकात होगी, खरीदारी संभव है, पैसा थोड़ा ज्यादा खर्चा हो सकता है, लेकिन आप खुश रहेंगे, दिन को एंजॉय करेंगे। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन कोशिश करिए आप कि सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। लकी कलर की बात करूं वो है आज रेड, लकी नंबर की बात करूं वो है 3, और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृषभ राशि वाले, सेहत को लेकर सचेत हो जाइए, सेहत से जुड़ी समस्याएं आएंगी, धन लाभ तो नहीं लेकिन धन खर्च बहुत ज्यादा होने वाला है आज के दिन। घर में किसी से कहा सुनी हो जाएगी, मूड खराब हो जाएगा, बिजनेसमैन लोगों को उचित लाभ होने वाला है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत खास बनाना चाहते हैं, क्या करना है, आज के दिन लाल मसूर की दाल या रेड कलर के कपड़े आप दान में दीजिए गरीबों को। आपके लिए लकी कलर रेड या ऑरेंज है, लकी नंबर की बात करूं है 3, और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मिथुन राशि वाले, सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा, आज के दिन आपका गलत निर्णय आपके साथ काम करने वाले या साथ रहने वाले लोगों पर असर डाल सकता है, तो डिसीजन मेकिंग में आज के दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आज के दिन बात करूं उन लोगों की जो इस राशि के 40 से ज्यादा है, यानी ओल्ड एज में है या मिडिल एज में है, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए आज के दिन, हो सकता है पेट से जुड़ी समस्याएं आ जाए। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन उचित उपहार मिलेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए दिन खास है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्या करना है, पक्षियों को दाना डालिए। लकी कलर आपके लिए व्हाइट है, लकी नंबर की बात करूं है 4, और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कर्क राशि वाले, आज के दिन ओवर एक्साइटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा आप खुश नजर आने वाले हैं, हर चीज आप भाग भाग कर करेंगे, और अच्छी चीज भी है, लेकिन हाँ, गाड़ी बाइक कार कुछ भी चलाते हैं ना, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आज के दिन हो सकता है दुर्घटना हो जाए, चोट आदि लग जाए, तो बहुत ही संभल कर रहने की जरूरत है। सेहत को लेकर सचेत रहिएगा, घर में छोटा बच्चा है ना, उसको भी आपको ध्यान से रखने की जरूरत है। एक और खास चीज, आज के दिन जो लोग कहीं बाहर जा रहे हैं काम से जुड़े हुए, तो कुछ मीठा खाकर निकलिएगा, इससे आपके उस काम के बनने के चांसेस ज्यादा हैं। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्या करना है, आज के दिन बड़ों के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करनी है। लकी कलर आपके लिए येलो है, लकी नंबर की बात करूंगा 5, और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। सिंह राशि वाले, अपने काम में आज बहुत ही ज्यादा आप काम को एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन एक चीज, आज पार्टनर्स के बीच में, चाहे वो लव पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, कहा सुनी, नोक झोंक, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, यानी आप दोनों अलग अलग सोचेंगे, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाने की बात करेंगे, आज के दिन बच्चों के साथ बहुत ही प्रेम से आपको रहना होगा, छोटों की डिमांड पूरी करते हुए आप नजर आएंगे। पैसे के मामले में आज हो सकता है किसी को उधार दिया था तो वो भी निकल जाए। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन सूर्य देवता की पूजा कीजिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। लकी कलर आपके लिए आज है रेड, लकी नंबर की बात करूंगा 4, और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से
3.5 स्टार। कन्या राशि, कन्या राशि वाले आज के दिन निडर होंगे लेकिन काम में भागदौड़ ज्यादा है। किसी से आपके साथ काम करने वाले से कहा सुनी हो सकती है, या आज हो सकता है कि किसी तरीके का मन में आपको आप कुंठित तो होते रहे। फैमिली के साथ भी आज के दिन हो सकता है चिड़चिड़ापन आप दिखाएं उन पर, अपने उन पर अपना क्रोध निकालें। काम के मामले में भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी। आज के दिन सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा, सेहत बिगड़ सकती है, बदलते मौसम की मार पड़ सकती है। और साथ ही साथ एक और चीज, पैसा किसी को भी आज उधार के मत दीजिए। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन गरीबों को दान करें यथासंभव, जो भी आपको करने का मन करे। खाने की चीज करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, और रेड कलर की खाने की चीज। लकी कलर आपके लिए व्हाइट या रेड है। लकी नंबर की बात करूं है 4, भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5.5 से 3.5 स्टार। तुला राशि वाले काम में आज के दिन मग्न रहने वाले हैं। आज के दिन छुट्टी वाले दिन पर भी आज के दिन आप काम में लगे रहेंगे। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन वो खुद पर बहुत ज्यादा खर्चा करने वाली हैं, खुद की पर्सनालिटी में चेंज लाने के लिए आप अपने आप पर ध्यान भी देंगी। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो आज के दिन झूठ सच में बहुत ज्यादा आप रहेंगे, झूठ बोलते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ बुजुर्गों को मेरी एक सलाह है कि आज के दिन कोशिश करें कि ज्यादा यात्रा ना करें, भागदौड़ ज्यादा ना करें। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन कोशिश करनी है कि आप जो है शिवजी की आराधना जरूर कीजिए। लकी कलर आपके लिए आज रेड, लकी नंबर की बात करूंगा है 2, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5.5 स्टार। वृश्चिक राशि वाले अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पैसे के मामले में लाभ होगा। अगर आप किसी के अधीन काम करते हैं, चाहे वो जॉब हो या फिर आप बिजनेस में ही किसी के अंडर काम कर रहे हैं या किसी के पार्टनर भी हैं, तो आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। इस राशि वालों को आज के दिन एक चीज संभालनी होगी और वो है आपके रिश्ते। रिश्तों में हो सकता है कोई आपसे अपनी शिकायत की लिस्ट लगा दे, आपको उससे दिक्कत हो सकती है, उनके साथ आज निभाने में दिक्कत आ सकती है, तो शब्दों का चयन ध्यान से कीजिए, पेशेंस लेवल बढ़ा लीजिए। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिएगा। लकी कलर आपके लिए आज येलो, लकी नंबर की बात करूंगा 4, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5.5 स्टार। धनुराशि वाले बिजनेस करने वाले आज के दिन बहुत अच्छी डील मिलने वाली है। बात करूं आपके फैमिली की तो रिश्तेदारों की तरफ से अच्छी खबर आ सकती है। आज के दिन घर परिवार में खुशी रहेगी। सेहत को लेकर थोड़े फर्स्ट हाफ में यानी दिन के पूर्वार्ध में ध्यान रखने की जरूरत है। पैसे की बात करूं तो खर्चा होगा, भाई तीज त्यौहार है, खर्चा तो होना ही है, तो खर्चा आज ज्यादा होने वाला है। लेकिन इम्पल्सिव बाइंग से बचिएगा, यानी फिजूल की चीजें, जिसकी चीज की जरूरत नहीं है उसको मत खरीदिए, क्योंकि आज के दिन आप चाहेंगे कि हर एक चीज उठा ले, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पिता या बड़े भाई के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ग्रीन है, लकी नंबर की बात करूं है 2, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5.5 से 3.5 स्टार। मकर राशि वाले काम से जुड़ी यात्रा पर जाने वाले हैं, साथ ही साथ किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए भी जाएंगे, तो दिन आज भागदौड़ भरा रहेगा। परिवार के साथ छोटी मोटी नोकझोंक है, खासतौर पर बच्चे हैं या छोटे भाई बहन है उनके साथ। पैसे की बात करूं तो आज के दिन पैसों के मामले में आप बेफिक्र रहिए, दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन कोशिश करें कि फिजूल खर्ची से बचना है। साथ ही साथ आज के दिन आप खुद से ज्यादा लोगों पर पैसे खर्च करते हुए नजर आएंगे। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आज किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को खाने की चीज दान दे। लकी कलर की बात करूं वो है आपके लिए आज ब्लू कलर, लकी नंबर की बात करूं है 4, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5.5 से 4 स्टार। कुंभ राशि वाले काम में मन लगेगा, सेहत का ध्यान देना है आज के दिन, पेट से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। पिता के साथ या घर में किसी रिश्ते में आपके जो बड़े हैं, माता पिता, बड़े भाई बड़ी बहन, बड़ों के साथ आज के दिन अनबन हो सकती है। हालांकि नोकझोंक ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन हाँ हल्की फुल्की नोकझोंक रहने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा। इस राशि के लोगों को एक और सलाह है मेरी कि अपनी चीजों को संभाल कर रखिए, उनका ध्यान दीजिए। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाएं। लकी कलर आपके लिए आज है येलो, लकी नंबर की बात करूं मैं 4, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5.5 से 3.5 स्टार। मीन राशि वालों के लिए आज चिंतित मन रहेगा, मन चिंतित यानी कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहेगा, सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे। कोशिश करनी है कि छोटों के साथ समय गुजारें, अपने घर के बच्चों के साथ समय गुजारें। आज उनकी तरफ से भी आपको बहुत सारी शिकायतें आने वाली हैं, तो कोशिश क्या करनी है, छुट्टी वाला दिन है, तीज त्योहार का समय है, तो उनकी शिकायतों को दूर करें, उनके साथ समय बिताइए। पति पत्नी जो है आज कुछ न कुछ घर के लिए बड़ी चीज लेने वाले हैं। इस राशि के लोगों की सेहत की बात करूं तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा,
मन आज आपका विचलित थोड़ा रहेगा, माइंड परेशान रहेगा, सेहत मतलब शरीर से ठीक रहेगी। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन क्या करना है, ओम नमः शिवाय का यथासंभव जाप। लकी कलर आपके लिए आज है व्हाइट, लकी नंबर की बात करूंगा है वन, है भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 से 3.5 स्टार। तो जाना हमने कि आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। होलिका दहन है, कोशिश करें अपनी बुराइयों को जलाने की, अपनी जो समस्याएं हैं, जो आपकी दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं उनको जलाइए। जी हाँ, हम कहते हैं ना कि होलिका दहन के दिन लोग जाते हैं लकड़ी या बहुत सारी चीजें वहां रखकर जलाते हैं, वहां पर कोशिश करें कि जब वो होलिका जल रही हो आप वहां खड़े हो ना, तो अपनी बुराइयां बोलें, आप अपनी कमियां बोलें, ताकि वो भी कमी आपकी उसके साथ ही जल जाए। तो आप सभी को होलिका दहन के लिए सारी शुभकामनाएं। कल होली है, कल के लिए भी कुछ स्पेशल रेमेडीज बताऊंगी, साथ ही कल चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, तो बहुत सारे लोग चंद्र ग्रहण को लेकर डर रहे हैं। मैं कल की वीडियो में क्लियर करूंगी कि चंद्र ग्रहण का असर आप पर होगा या नहीं होगा। मिलती हूँ कल शाम 5 बजे, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।